हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम बेस्ट नीचीज लेकर आए हैं, जो कि है हमारी वीडियो का पार्ट 4। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नीचीज तो बताऊंगा, लेकिन पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को जो नीचीज बताई हैं आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्पेशल नीचीज के बारे में बताऊंगा जो होंगी टोटली फाइनेंस के ऊपर। और फाइनेंस का आपको पता है कि सीपीसी और उसका सीटीआर कितना ज्यादा हाई होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का वर्ड सर्च किया है यूरोप कंट्रीज में। ये देखें 8.13, सिर्फ और सिर्फ अगर फाइनेंस का कीवर्ड सर्च किया जाता है वन टाइम आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक होता है तो उसका आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, $8.13 जस्ट वन क्लिक पे। तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि फाइनेंस के ऊपर सीपीसी कितना ज्यादा हाई होता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी फाइनेंस की नीचेस के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपकी इसी मोटिवेशन की वजह से मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चले चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी नीचेस पे। तो हमारे पास यहां से नीचे हमारी स्टार्ट होंगी। तो हमारे पास सबसे पहली नीच है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपने स्टॉक मार्केट को पूरी कंप्लीट स्टॉक मार्केट को आप कवर तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नीच है। आपने क्या करना है, आपने उसकी प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर बात करनी है, उसके स्टॉक्स की अपडेट के ऊपर बात करनी है, उसकी स्टॉक एक्सचेंज रिव्यूज के बारे में बात करनी है कि किस स्टॉक मार्केट की कौन सी प्राइस की प्रेडिक्शन कब अप जा रही है, कब डाउन जा रही है। तो आपने इस चीज को डिटेल में स्टडी करना है, उसके बाद इसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग इसके ऊपर ग्रो करता है, क्योंकि इसमें आप न्यूज के हवाले से भी बात कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की, और बहुत डिटेल में इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एक वेबसाइट भी दिखा देता हूं। हम इसकी वेबसाइट देख लेते हैं, यहां पर जाके इसकी वेबसाइट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसकी वेबसाइट मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। ये वेबसाइट देखें, ये ओपन हो गई है। इस वेबसाइट को मैं ओपन कर देता हूं, और ठीक है, ये मनी जैक्स की मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा दी है। ये देखें, ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें टोटली स्टॉक मार्केट के क्या यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन यूज हो रही है। उसने 2023 से लेकर 2050 तक कंप्लीट उसने प्रिडिक्शन की हुई है कि उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा। आगे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आप उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लोग इसको बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, तो आप इधर से आइडियाज ले सकते हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ देखें टोटली ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, और कोई भी काम उसने नहीं किया हुआ। इस वेबसाइट की ट्रैफिक देख लेते हैं, यूरोप कंट्रीज में 4000 ट्रैफिक है, बहुत अच्छी ट्रैफिक है। हम इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेते हैं, इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई होगी। आपको क्या करना होगा, आपको इस कीवर्ड्स के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने होंगे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है कि आपने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करना है। जो कि आपको अगर नहीं पता, यहाँ पर आई बटन में उसकी वीडियो लगा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी कि लॉन्ग कीवर्ड्स को हमने कैसे फाइंड करना होता है। ठीक हो गया, तो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई है, लेकिन आपने इस वेबसाइट को देख के थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में भी आपने उसकी प्राइस प्रेडिक्शन बतानी है, आपने इंफॉर्मेशन बतानी है कि कौन से कॉइन अपकमिंग है। आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी में रोज कोई ना कोई कॉइन्स आ रहे होते हैं, कोई जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कॉइन एकदम जब बूस्ट करता है या बम्प करता है तो आपको पता है कि वो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया होता है तो उसकी मनी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज रिव्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स के ऊपर बात कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी सेम इसी तरह ही है कि आप क्रिप्टो करेंसी पे चले जाएंगे। ये देखें, इसके एड लगे हुए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। ये देखें, ये टोटली जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आ रहे हैं। तो आप यहां से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी सारी की सारी वीडियोस, उसके आर्टिकल्स को देख के उसके अंदर चेंजिंग करके आप सारा कुछ काम कर सकते हैं। ये वेबसाइट जो आपके पास है, इसके ऊपर आप डिटेल में स्टडी करके अपना कोई भी अपना क्रिप्टो करेंसी की नीच चूज करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की मैं आपको वेबसाइट मैंने दिखा दी, इसका हम कीवर्ड देख लेते हैं। इसका कीवर्ड भी देख लेते हैं कि कितना हाई है। उसका तो बहुत ज्यादा हाई था स्टॉक मार्केट का, क्रिप्टो करेंसी का देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का भी आप देख लेंगे कितना ज्यादा हाई है, क्योंकि और इसकी ट्रैफिक देखें कितनी है, ट्रैफिक भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है।
इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि आजकल आपको पता है आगे फ्यूचर ही इन चीजों का है, तो आपने इसके ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड पे सर्च करना है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। उसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट नीच। नेक्स्ट नीच है जी मेटावर्स एंड NFTs। ये थोड़ा सा यूनिक टॉपिक आ जाता है। इट इज अ न्यू मार्केट, लेस इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर भी इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है। आप क्या करेंगे, आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, उनके ऊपर जाके NFTs या मेटावर्स की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें। उसके बाद जब आप इसकी ब्लॉग बनाएंगे, उसके रिव्यूज डालेंगे, उसके एक्सचेंज रिव्यूज डालेंगे, तो आपके पास भर भर के ट्रैफिक आएगी। ये मेटावर्स और NFTs है थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक, लेकिन नीच बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसके ऊपर काम बहुत कम है। एक मैंने बहुत मुश्किल से ये ढूंढी है। NFTs के ऊपर आ जाते हैं, देखें इसके ऊपर भी आपको आर्टिकल बहुत थोड़े से मिलेंगे। इसने भी तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोस्ट कर रखी है उसने NFTs के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट, इसमें शॉर्ट कीवर्ड, शॉर्ट आपके आर्टिकल भी चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत कम है, तो आप इसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं। हम कीवर्ड देख लेंगे, इसका कीवर्ड क्या हो काम कर रहा है। तो पहले मेटावर्स का देख लेते हैं सिर्फ, फिर NFT का अलहदा से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको आपको मेटावर्स का दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कितना काम हुआ है, इसकी डिफिकल्टी कितनी। इसकी डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई है क्योंकि इसके ऊपर काफी लोग काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी बाकियों की निस्बतन इसकी डिफिकल्टी कम है। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएंगे तो आप इसके ऊपर एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पे NFTs पे ले लेते हैं, NFT पे देखते हैं कितना काम हुआ पड़ा है। NFTs पे हम देख लेते हैं, NFTs पे देखें फिर भी NFT पे बहुत कम काम है। आपको एक ग्रीन मिल गया है, आपको और जब आप थोड़े से फाइंड करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स तो उसके अंदर आपको ग्रीन काफी सारे मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर भी आप इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नीच आ जाती है जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ज्यादा यूनिक और पुरानी नीच भी इसको समझा जाता है, लोन। आपने टाइप्स ऑफ लोन बताना है, कार का, हाउस का, गोल्ड का, प्राइवेट। आपको पता है कि यूरोप कंट्रीज में तमाम लोग क्या काम करते हैं, हर चीज के लोन ले लेते हैं। जैसे ही उनकी पे आती है वो सारा कुछ उसमें से क्रेडिट कार्ड में से अपना सारा कटवा देते हैं। उनकी हर चीज फिर उनके पास पहले से मौजूद होती है। कोई भी एक जॉब लगती है, उनकी हर चीज उनको लोन से मिल जाती है, तो वो अपनी सारी चीजें लोन से अदा कर देते हैं। तो इसके हिसाब से मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूं। हम इस वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं, इस वेबसाइट की ट्रैफिक भी हम देख लेते हैं और इसके ऊपर हम काम भी देख लेते हैं। 28,000 ट्रैफिक है जो कि यूरोप कंट्रीज के हवाले से इतनी है कि आप खत्म ना हो आपसे। ये वेबसाइट ओपन होती है तो इसके साथ ही हम इसका कीवर्ड की डिफिकल्टी भी देख लेते हैं कि कीवर्ड के ऊपर हम किस तरह का काम कर सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड की हमें जरूरत होगी या दूसरी की हमें जरूरत होगी। ये देखिए, ये उसने वेबसाइट खोल दी है। यहाँ पर वो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता रहा है। ये टोटली इंश्योरेंस की डिटेल दे रहे हैं आपको कि एनर्जी की इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, कार इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, इन सब की लोन्स के हिसाब से आपको डिटेल बता रहे हैं किस कंट्री की, जिस कंट्री में आप अलाउ करेंगे, आप जिस कंट्री को टारगेट करेंगे। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा हाई है, तो इसके ऊपर भी आप क्या काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही उठाएंगे। इसके ऊपर जो ट्रैफिक है ना वो बहुत ज्यादा भर भर के ट्रैफिक है, क्योंकि बाहर वाले मुल्कों को इस चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो इसके ऊपर लाजमी काम करते हैं। वो उन्होंने ये उनका मतलब समझ लें कि उनकी लाइफ इसके बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये आपको एक सिंपल सी मैंने एक वेबसाइट दिखाई जिसके ऊपर 28,000 है। कुछ ऐसी ऐसी वेबसाइट होंगी जिनपे पर मिलियन ट्रैफिक होगी, पर मंथ की, पर डे की भी मिलियन ट्रैफिक आ सकती है। तो आप इसके ऊपर एक अच्छे से आर्टिकल लिख के उसके ऊपर अपना काम करें और लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरफ जाएं और थोड़ी सी मेहनत करें, तो आप भी इससे एक अच्छा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी वेबसाइट है, इस दूसरी वेबसाइट को आपने चेकआउट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंश्योरेंस। ये भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी नीच आ जाती है, लेकिन ये आ जाती है थोड़े से लग्जरी लोगों के लिए, जो के थोड़े से रिच पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए ये आपके पास नीच आ जाती है। इसमें आ जाता है पेट इंश्योरेंस, जो कि आपको पता है कि रिच लोगों के पास पेट लाजमी होता है, कोई ना कोई लाजमी पेट होता है, उसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, वो अपनी इनकम की प्रोटेक्शन की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। लग्जरी आइटम की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिच लोगों के पास बहुत ज्यादा लग्जरी आइटम्स होते हैं, वो उसकी क्या करवा सकते हैं, इंश्योरेंस इजीली करवा सकते हैं। इसकी सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस्म की वेबसाइट आपने इसके ऊपर काम करना है। ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, आपको इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा देता हूँ। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आई थिंक हाई होगी, क्योंकि फाइनेंस में तकरीबन कीवर्ड्स की डिफिकल्टी हाई होगी, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पे ही काम करना होगा।
ठीक है, ये देखें टोटली आपको डिफिकल्टी कीवर्ड की हाई है, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डिफिकल्टी थोड़ा सा हाई मिलेगी। इस वेबसाइट को हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे ये वेबसाइट आ गई, ये वेबसाइट तकरीबन क्या काम कर रही है, 2000 के करीब इसकी पर मंथ ट्रैफिक है, 2000 के करीब। ये देखें ये बिल्कुल चीप सी वेबसाइट बनी होगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये वेबसाइट क्या बता रही है, पेट इंश्योरेंस रिव्यूज प्राइस कंपैरिजन एंड प्रोमो कोड ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ये वेबसाइट बता रही है, लेकिन ये वेबसाइट रेगुलर मिस टाइप वेबसाइट बता रहा है कि ये आप इस तरह की वेबसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये वेबसाइट्स कुछ आपके लिए काम देगी। या यहाँ पर इस साइट पे डोमेन्स आ रही हैं, कौन सी अदर ओवरव्यूज, इसके हिसाब से और ओवरव्यूज साइट पे आ रहे हैं। इस वेबसाइट इन वेबसाइट तमाम वेबसाइट्स को आप सर्च करके फाइंड कर सकते हैं, किसको, इंश्योरेंस की कंपनीज को, जो कि आपको कौन सी इंश्योरेंस देंगी, रिच पर्सन के लिए। ठीक हो गया, तो आज हमने बात की सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के ऊपर, फाइनेंस की नीचे इसके ऊपर बात की। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।